वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जो है किल्यान इसको जो है आउलेन बनाया था, वीडियो में तो देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पर जो भी किल्यान वगैरह मैं ड्रॉ किया था, इसको इरेज किया हूँ डबल इरेज की मदद से। आप नॉर्मल एवे यूज करके जो है यहाँ पर इरेज कर सकते हो। यहाँ पर जो भी मटेरियल वगैरह यूज करने वाला ड्रॉइंग को बनाने के लिए आप लोग को पहले बता देता हूँ, तो स्किन टोन एरिया के लिए गई यहाँ पर जो केमिल का जो मैकेनिक पेंसिल है और जो आर्डन का एडबी और जो पोरी पेंसिल है इसका यूज करने वाला हूँ, रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और हेयर और जो बियर्ड पार्ट है वहाँ पर गई केमिल का जो सॉफ्ट शैलो पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। ब्लेंड वगैरह करने के लिए जो मेकअप ब्रश है इसका यूज करने वाला हूँ और ब्लेंडिंग स्टोन इसका यूज करने वाला हूँ। और हाईलाइट के लिए गई जो टोम्बो का एरिया जो डबल इरेजर इसका यूज करने वाला, थोड़ी बहुत आगे जो साकुरा का हेड जीरो रोल पेन है उसका भी यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल यूज करके जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस एपिसोड में गाइस जो जो आई और जो आईब्रो पार्ट है इस पार्ट को सिर्फ यहाँ पर बनाने वाला हूँ। यहाँ पर गाइस मैं रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को लेयर बाय लेयर शेडिंग करना है। तो आप लोगों को लाइट से डार्क शेडिंग करना है, आप लोगों को डायरेक्ट डार्क पार्ट को डायरेक्ट डार्क नहीं करनी है, आप लोगों को लेयर बाय लेयर जाकर आप लोगों को शेडिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर पहले गाइस जो मैकेनिक पेंसिल है जो केमिल का जो G2 का उसका यहाँ पर यूज करके गाइस यहाँ पर पहले एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और उसी पेंसिल के थ्रू गाइस जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके गाइस यहाँ पर मैं सेकंड लेयर उसी पेंसिल के थ्रू यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस इसको आगे ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंड करने के लिए जो मेकअप ब्रश है उसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो लेयर वाला आप लोगों को सेटिंग करना है, लेयर वाला आप लोग ब्लेंडिंग करना है, लास्ट में जो है जो भी डिटेलिंग वगैरह जो भी हाईलाइट वगैरह आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए जो मेकअप ब्रश है इसका यूज करना आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज करना है, आप लोग को बहुत ही हल्के प्रेशर से यूज करके गाइस आप लोग को यहाँ पर जो है ब्लेंड कर देनी है। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद गाइस आगे जो है एडवी पेंसिल जो आर्टलाइन का उसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह करने के बाद यहाँ पर पेंसिल को आप लोगों को शार्प कर देने, जहाँ पर भी डार्क एरिया है उस एरिया पर आप लोगों को डार्क करना है। यहाँ पर तो जैसे कि आईबॉल एरिया हो गए, जो भी आईलेसिस जो जो भी पार्ट है उस पार्ट को आप लोगों को यहाँ पर बनानी है। जहाँ डार्क एरिया आप लोगों को रेफरेंस वगैरह अच्छी तरह स्टडी करना है, उसके बाद ही आप लोगों को शेडिंग वगैरह करनी है। और गाइस जो रेफरेंस वगैरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस फोटोग्राफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और जो ग्रिड वाला जो फोटोग्राफ भी है वो फोटोग्राफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप गाइस इसको ड्रॉ करके मेरे को भेज सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उससे जो भी गलती होगा मैं सुधारने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ करना है मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर डार्कर एरिया में जो एडी पेंसिल यूज करने के बाद जो भी डिटेलिंग वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर है उसको यहाँ पर बना रहा हूँ केमिल का मैकेनिक पेंसिल यूज करके। आपके पास ये वाला पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी जो लाइट पेंसिल आता है एच बी पेंसिल है उसकी कम ग्रेड का जो पेंसिल आता है उसको आप लोगों को शार्प करके जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल जो डार्क एरिया शेडिंग करने के बाद अभी इसको भी अच्छी तरह से एक ब्लेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हल्के प्रेशर यूज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो अभी फिलहाल गाइस डार्क एरिया को शेडिंग वगैरह करने के बाद अभी सेकंड लेयर को देने के बाद शेडिंग वगैरह करने के बाद और ब्लेंडिंग करने के बाद अभी फिलहाल जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए जो डबल इरेजर है उसका यूज कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत जो है साकुरा का हरी जीरो रोल पेन और जो जो सॉरी जो जीरो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका भी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो आप लोगों को हाईलाइट पार्ट को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देनी है। तो हाईलाइट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। हाईलाइट देने के बाद देख सकते हो जो आई है वो रियलिस्टिक सा लुक दे रहे हैं, रियल का फील दे रहा है। तो यहाँ पर साकुरा का हेड जीरो रोल पेन यूज करो, जहाँ पर भी एक्सट्रीम व्हाइट एरिया है जहाँ पर इरेज नहीं कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं साकुरा का हेड जीरो रोल पेन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो रेफरेंस स्टडी करके आप लोगों को जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है उस एरिया पर आप लोगों को हाईलाइट देना है। उसके बाद थोड़ी सी ब्लेंड वगैरह करके जो भी स्ट्रक्चर वगैरह जो भी डिटेलिंग वगैरह जो भी एलिसिस वगैरह है उसको आप लोग को यहाँ पर देना है। उसके बाद गाइस आगे जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो वहाँ पर भी प्रोसेस है गाइस, आप लोगों को लेयर बाय लेयर आप लोगों को काम करनी है। तो यहाँ पर पहले गाइस जो आईब्रो पार्ट में पहले जो मैकेनिक पेंसिल है उसका यूज करके हेयर के डिशन देते हुए यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रोक लगानी है। हेयर के डिशन जिस तरीके से है उसी तरह से आप लोगों को एक ही हेयर को ड्रॉ करके पहले एक लेयर ड्रॉ करनी है, हेयर ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को जो है ब्लेंड वगैरह करनी है। तो यहाँ पर देखो केमिल का मैकेनिक पेंसिल यूज कर रहा हूँ, आपके पास ये वाला पेंसिल है तो आप नॉर्मल पेंसिल यूज कर सकते हो जैसे कि HB या कोई भी कम ग्रेड का जो पेंसिल आता है उसके जो भी लाइट ग्रेड का पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक लेयर देने के बाद हेयर के डिशन देते हुए बनाने के बाद इसको आप लोगों को अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह कर देनी है। ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस आगे जो एडी पेंसिल है डार्कर हेयर बनाने के लिए एडी पेंसिल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 10D पेंसिल भी यूज कर सकते हैं या 6D पेंसिल से भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पेपर यूज कर रहा हूँ टेक्सचर पेपर है तो लाइट पेंसिल से भी थोड़ी सी डार्क हो जाता है। तो यहाँ पर एडी पेंसिल यूज करके यहाँ पर मैं जहाँ पर डार्क एरिया है उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद इसको भी ब्लेंड वगैरह करके जहाँ यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है हाईलाइटेड हेयर है उस एरिया हेयर को यहाँ पर मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर उसका यूज करके जो है जहाँ पर हाईलाइटेड हेयर है उस एरिया पर यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देना। थोड़ी साकुरा का व्हाइट जीरो भी यूज करने वाला जहाँ पर इरेज वगैरह नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट आई और जो फर्स्ट आईब्रो है उसको बना चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जो सेकंड आई और जो सेकंड आईब्रो है उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस टेक्निक सेम है, जिस तरह से मैं फर्स्ट आईब्रो बनाया था उसी तरह से आप लोग को शेडिंग वगैरह करनी है, लाइट से डार्क शेडिंग करनी है। सिर्फ आप लोग को रेफरेंस स्टडी करना है कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो है उसको ऑब्जर्व करना है पहले, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर शेडिंग वगैरह करनी है।
तो गाइस जो रेफरेंस फोटो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो फोटोग्राफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और जो ग्रीनलैंड का जो फोटोग्राफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों का फोटोग्राफ का लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले आउटलाइन ड्रॉ कर देना, फ्री हैंड भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, आउटलाइन पहले ड्रॉ करना उसके बाद जो है शेडिंग वगैरह करना। तो यहाँ पर पहले जो इस एपिसोड है यहाँ पर सिर्फ आई और जो आईब्रो पार्ट है उसको ही यहाँ पर बनाने वाला हूँ और कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इतने में जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को ट्यूटोरियल भी दे रहा हूँ तो ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए जो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसलिए गाइस इस एपिसोड इतने में ही रखने वाला हूँ, दोनों एक जो सेकंड है और सेकंड हैवर को बनाने के बाद। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में भेज देना गाइस, जो भी अपने दोस्तों ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आर्टिस्ट हैं उनको भेज देना, शेयर वगैरह कर देना, और इसको ड्रॉ करके मेरे को भेज भी सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप भेज सकते हो, वहाँ पर मैं जो भी आपसे गलती हुई है वहाँ पर सुधारने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से जो सेकंड हैवर को बनाता हूँ, प्रोसेस सेम है, टेक्निक सेम है, तो देखिए